ये अलग, तुम्हारे मोबाइल ये अलग, बहुत मोबाइल छूवल होता है, हाथ सैनिटाइज करो। पापा सबको चिल्ला रहे हैं, मास्क लगाओ मास्क लगाओ। ये क्या जान की बुआ कहाँ। Hey guys, good morning, welcome back to my channel. सुबह को बज रहे 11:30 और मैं उठ गई थी 10:30 को, बेड पे पड़े पड़े 11 बज गए। अब मैं ब्रश वगैरह करके ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हूँ, तो ब्लॉग शुरू करते हैं। फ्रूट्स, पोहा, आज नारियल पानी वाला आया नहीं है, लेकिन नारियल पानी कौन सा शो है बताओ बताओ बताओ। हेलो एवरीवन, तो मैंने मास्क पहले ही पहन लिया क्योंकि मैं थोड़ी जल्दी में हूँ और मेरे को हॉस्पिटल जाना है, तो मैं बस निकल रही हूँ। एक मास्क पहन रखा है, उसके ऊपर एक लगाऊंगी। तो अंकल रामबाबू अंकल आ चुके हैं, मम्मी को मेरे साथ आना था पर मैंने मना कर दिया क्योंकि अभी मेरे को प्रॉब्लम है, तो मैं जा रही हूँ। फालतू में मम्मी आएगी, उसको भी उधर कुछ हो गया तो जितना जो बीमार है इस वक्त उसी को जहाँ हॉस्पिटल जैसी जगह जानी चाहिए, क्योंकि फालतू में एक के चक्कर में दो तीन लोग और बीमार हो जाएंगे। डोंट वरी, मुझे कोरोना नहीं है, मैं किसी और रीज़न से हॉस्पिटल जा रही। सॉरी आज फिर से जल्दी में बुलाना पड़ा। वो डॉक्टर बोली 5:30 तक ही बैठेगी, बोली तो मैं जब भी रामा अंकल को फोन करवाती हूँ ऐसा होता है, तुरंत आ जाओ वाला सीन है। आज भी ऐसा ही हो गया, 4:30 बजे निकलना था और 4:10 पे फोन किया तो वो आ गए। अब हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। सब शॉप्स बंद हैं इधर। तो अभी मुंबई में ऑलमोस्ट लाइक सारी शॉप्स बंद रहती हैं, सिर्फ एक टाइम पीरियड है कुछ सुबह 7 से 11 टाइप्स, तो उसी टाइम खुली रहती हैं, अदरवाइज पूरे दिन शॉप्स बंद हैं सारी की सारी। इस मोहल्ले में मैंने कभी ऐसे बंद नहीं देखा, यहाँ पे भी पूरा बंद है। हम लोग पहुंच चुके हैं कांदिवली, ये है कांदिवली का चौराहा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है लव कांदिवली। यहाँ से जो नेक्स्ट राइट आएगा वो राइट लेना है। कहीं पे साइड पे लगा लीजिए, ये कहीं तो है किसी किसी बिल्डिंग में। अब वो कहीं दिख रहा है ओमकार हॉस्पिटल लिखा हुआ, रुकिए किसी को पूछना पड़ेगा। तो मैं डॉक्टर के यहाँ से आ चुकी हूँ, रिपोर्ट आ गया है, मतलब रिपोर्ट नहीं आया है, चेक करा लिया है, घर जाकर बताती हूँ क्या हुआ है। कुछ मेडिकेशंस मिले हैं और 5 दिन बाद वापस मिलेंगे हम लोग। हम लोग ऑलमोस्ट अपने घर पहुँचने वाले हैं और पूरे रास्ते में समोसे का छोटा सा होता है ना स्टॉल, दुकान या कुछ भी, मैं सोच रही थी खुला होगा तो मैं ले लूँगी, सब बंद है। एक एक जगह मुझे समोसा नहीं दिखाई दिया, सब बंद है यहाँ पर। सिर्फ एसेंशियल शॉप्स खुली हुई हैं और कुछ शॉप्स हैं जिनका शटर थोड़ा सा खुला हुआ है, पर मेजॉरिटी सब बंद है यहाँ पर। आम आम कहाँ है, हल्ला कर दो, मत लगाओ, पहले सैनिटाइजर लगाओ, भागो करोना करोना निहा। भागो ना, हमारा नखिया में ढुक जाए। हे गाइस वेलकम बैक, डे 2। आज है 27 अप्रैल 2021 और दोपहर के बज रहे हैं 2, और कल का जो व्लॉग था मैंने आधे पे ही रोक दिया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गई थी तो मैं व्लॉग नहीं कर पाई, और कुछ इंटरेस्टिंग हो भी नहीं रहा था जो आप लोगों को देखने में अच्छा लगेगा, तो मैंने व्लॉग भी नहीं किया। और आज है 27 और आज हमें 3 पार्टी मिलने वाली थी, एक था बॉम्बे में मेरी आंटी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे गरिमा आंटी, और सेकेंड मेरी बुआ की 25th एनिवर्सरी है जो कि यूपी में है इस वक्त, तो वो पार्टी कैंसिल हो गई। बुआ पॉजिटिव भी हैं कोविड, रिकवरी कर रही हैं, अच्छा रिकवरी कर रही हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगी। और थर्ड
पार्टी थी जिसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, वो थी मेरी मासी के बेटे की शादी। मैंने सुबह से मम्मी को बोला कि भाई पार्टी तो कैंसिल हो गई, तुम कुछ बना दो, कुछ ढंग का बना दो, आज हम थोड़ा अच्छा खा लें। तो मम्मी बोली कि ठीक है मैं आज छोले पूरी बना दूंगी। और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, मम्मी सब रेडी करके छोले वोले बना के नहाने गई, वापस आई, गैस जला है, गैस ऑन ही हो रहा है। पापा आधे घंटे से ट्राई कर रहे हैं चेक करने के लिए कनेक्शन में कहीं मतलब यू नो बाहर से प्रॉब्लम ना हुआ हो। गैस अभी तक ऑन नहीं है, तो आई डोंट नो आज उनको खाना कहाँ से मिलने वाला है। तो मतलब कैसा दिन होता है ना, सोचो आज के दिन क्या हुआ होता और आज पता नहीं क्या हो गया है, तो थोड़ा बुरा लग रहा है। आप मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं कि आज हमको खाना मिलने वाला है कि नहीं। अगर मैं कैमरा बाहर लेके गई तो सब मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि मेरा थोड़ा टेंशन का माहौल चल रहा है, खाना बन नहीं रहा, सबको भूख लगने लगी है और पापा कोशिश किए जा रहे हैं फ़ोन पर कि कुछ हो जाए। मैं कोशिश करूँगी कैमरा बाहर ले जाने के लिए, पर यू नो डांट पड़ सकती है मुझे, बट स्टिल मैं ट्राई करती हूँ। 6 बजे तक ऑन हो जाएगा, फिर कहीं पाइप में लीकेज हो गया है ब्लड में, कहा नहीं है ना जल्दी, तो वो लोग इन्फॉर्म क्यों नहीं किए? क्या होगा मम्मी? कुछ ना हो, तू ही यार मार, तीन गो पार्टी नजर लाग ले, को पार्टी भरबो में लागत है खाना ना मिले, ऐसा हालत हो गए बाटे, कैसे लीक हो गई बा। ये चावल जा रहा है पापा के ऑफिस में, वहाँ पर वो बना के फिर घर लेके आएंगे, फिर हम लोग खाएंगे। ले जाइए कुकर, फटाक से लाइए, नया पहने ला। ऐसे ही हमारे पास था, इसको पहने ही नहीं थे, फर्स्ट डे पहना हूँ, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अरे ये टी शर्ट अच्छा है पापा, हमरा दे दिया, हमरा क्या, हम ले ले। कहाँ इतना तैयार हो गया तू? तैयार नहीं, वहाँ पे बहुत इन्फेक्शन है कोरोना का, तो ऐसे तैयार हो रहे हैं जैसे सैनिक लड़ाई के मैदान में जाने के लिए तैयार होता है। नया कपड़ा पहन के? नया तो इसलिए पहना हूँ कि यार देखो मुझे ना रोज नया मिले, रोज पहनू, मेरे लिए रोज होली दिवाली दशहरा जैसा लगता है। मैंने इतना पुराना कपड़ा पहना है, ओल्ड एज होम समझ लिया। किसी ने मुझे गिफ्ट किया था, ये मुझे पता नहीं, मुझे गिफ्ट किया था कि मम्मी को गिफ्ट किया था, पर इतना अच्छा है कॉटन का है तो मैं पहन लेती हूँ। अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो मैं ये टी शर्ट रोज पहनती हूँ, क्योंकि इतना लाइट वेट है और कॉटन का है, मुझे अच्छा लगता है। पीछे लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं। तो पापा चावल बना के लाए ऑफिस से, थोड़ा थोड़ा जला दिए हैं, इसको बोलते हैं किस्मत खराब, मतलब हाँ पानी कम था शायद, जल गया। Hey guys, welcome back. शाम के बज रहे हैं 7:05। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा अच्छा सा कपड़ा पहनने और थोड़ा सा मेकअप लगाने, क्योंकि जूम पर हम लोग वर्चुअल मीटिंग रख रहे हैं पूरी फैमिली, ताकि मेरी बुआ की 25th एनिवर्सरी हम लोग अटेंड कर पाए। ये अलग, तुम्हारा मोबाइल ये अलग, बहुत मोबाइल छूअल होता है, हाथ सैनिटाइज करो। पापा सब कुछ चिल्ला रहे हैं, मास्क लगाओ मास्क लगाओ। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं जा रही हूँ ड्रेस रेडी होने के लिए, तो यस मैं रेडी हो गई, पर मुझे पहनना था साड़ी, पर मेरी मम्मी ने मुझे बिना पूछे बिना बताए और मेरा पूरा साड़ी वुडी उठा के और ऊपर डाल दिया कबर्ड में, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कबर्ड से नीचे उतारूं साड़ी को और वापस पहनूं। तो जो मुझे मिला ये जो ड्रेस था जो मैंने अभी रिसेंट किसी तो फेस्टिवल में पहना था, यस तो ये ड्रेस मैंने वापस पहन लिया क्योंकि बाहर ही रखा हुआ था। और यस ये मैं थोड़ा सा तैयार हो गई थी जूम मीटिंग में, मुझे लगा मैं थोड़ा ज़्यादा ही तैयार हो गई थी, कोई तैयार होकर नहीं आया था, कोई मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया था, कोई बात नहीं ऐसा होता है मेरे साथ। तो यस बहुत अच्छी मीटिंग रही हम सब ने, मतलब लाइक जितने हमारी पूरी फैमिली लाइक यू नो बहुत रेयरली सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, बट यहाँ पे सब लोग एक साथ इकट्ठा थे और बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके। सो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस का 25th वेडिंग एनिवर्सरी था काफी फन था, क्योंकि बुआ को लाइक डाइनिंग टेबल के उस साइड बिठाया गया था, फूफा इस साइड बैठे थे, सब मास्क पहन के बैठे थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, एंड जस्ट लाइक सब डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे क्योंकि बुआ पॉजिटिव हैं, पर वो रिकवरी मोड पे हैं, वो मतलब ऑलमोस्ट उनका पहले से ठीक है गोइंग है वो। बस ऐसे ही छोटी सी सेलिब्रेशन थी और बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके। सो आपको भी थैंक यू सो मच आज का व्लॉग देखने के लिए, और आई एम रियली सॉरी क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं हो पाता है, घर में ही रहते हैं, बाहर जाना बंद है। आज मेरी बिल्डिंग में मेरे वॉचमैन पॉजिटिव निकले हैं, 6th फ्लोर पे 2-3 लोग पॉजिटिव निकले हैं, 3rd फ्लोर पे पॉजिटिव निकले हैं, तो यू नो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो जाता है आजकल, बट आई स्टिल ट्राई टू यू नो व्लॉग एवरी डे बिकॉज यू नो ये जो वक्त है खराब है, बट मे बी फ्यूचर में देख कर लगे क्योंकि हम लोगों ने सर्वाइव कैसे किया था। सो आप लोगों को थैंक यू सो मच, क्योंकि आप भी बहुत बड़े हिस्सा हैं, मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।